मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है इसके बारे में बताइए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी एजेंट के आप 200-300 रुपए खर्च करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक एज प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दूसरा लगता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। और तीसरा लगता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और स्कैन करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रख लेना है। इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, अपना एक फोटो और सिग्नेचर और डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन करके अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में रखना है। इसके बाद आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तो पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लर्नर लाइसेंस मिलने के एक महीने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो पहले आप parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद फीस पे करनी होगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट की डेट को आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे, वहां पर आपका एक टेस्ट होगा और आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। लर्नर लाइसेंस मिलने के एक महीने के बाद आप parivahan.gov.in वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना लर्नर लाइसेंस देना होगा और सेम प्रोसेस रहेगा जो आपने लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए किया था। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पर एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर में आपको एक वेबसाइट टाइप करनी होगी, parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस। आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन होगी और इसमें सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चूज करनी होती है। चलिए हम यूपी चूज कर लेते हैं। स्टेट चूज करने के बाद लेफ्ट साइड में आपके पास एक ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू लर्नर लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। पहले आप न्यू लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और पेमेंट करना है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें सबसे पहले आप अपनी स्टेट लेंगे, यहाँ पर आप अपना आरटीओ ऑफिस लेंगे। जो स्टेट आप चूज करेंगे उसके सारे आरटीओ ऑफिसेस यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन चूज करना है, चलिए हम फादर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फादर नेम देना है। यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा, जेंडर आपको चूज करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालनी होगी, यहाँ पर आपकी कंट्री आ जाएगी, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस चूज करनी होगी, यहाँ आपको अपना ब्लड ग्रुप चूज करना होगा अगर आपको पता है तो, यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस देना होता है। पहले आप यहाँ पर तहसील चूज करेंगे, यहाँ पर आप विलेज या टाउन चूज करेंगे, यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना होगा और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना होगा। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन देनी होगी कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देंगे और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको चूज करना होगा कि आप किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर और नीचे LMV। अगर आप सिर्फ टू व्हीलर के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर को चूज करेंगे, लेकिन अगर आप फोर व्हीलर के लिए भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप LMV को भी चूज करेंगे। अगर पहले कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुआ है या सस्पेंड किया गया है या रिवोक किया गया है या आपको डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो आप इसको टिक करेंगे वरना छोड़ देंगे।
नीचे आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ऑर्गेन्स को आप डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करते ही नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर ये स्लिप आ जाती है। इसे अगर आप चाहें तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं, वरना आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ये इसका दूसरा स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक पेज आ जाएगा, आप यहाँ पर ओके कर देंगे। आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको उसको डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए पहले हम एज प्रूफ अपलोड करते हैं। एज प्रूफ में आप पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी फोटो आईडी कार्ड दे सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी फाइल चूज करनी है। ध्यान रखना है कि आपकी फाइल का साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वहाँ से आप चूज करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ये अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नीचे आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है। चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। फाइल चूज करेंगे, यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रह गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही अपलोड करना होता है। यहाँ से फाइल चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही कंफर्म पर क्लिक करना होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना फोटो ब्राउज करेंगे और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर ब्राउज करेंगे। इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड होते ही आपका फोटो और सिग्नेचर इस तरह से यहाँ पर शो होगा। अब आपको यहाँ पर सेव फोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है, जिसके लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 350 रुपीज पे करनी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों का लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो 150 रुपीज है 2-व्हीलर के लिए और 150 रुपीज है 4-व्हीलर के लिए और 50 रुपीज है LL टेस्ट के लिए। पे करने के लिए आप यहाँ पर बैंक चूज करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड आप डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने टर्म और कंडीशंस का पेज आ जाएगा, आप एग्री करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये पेमेंट पेज है, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। 350 रुपीज यहाँ पर आ गई है, चलिए हम कंफर्म कर देते हैं। अगर आपका वीजा कार्ड है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज करेंगे और अगर आपका रुपे डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड को चूज करेंगे। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम, CVV और ये कैप्चा कोड डालकर पे पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, इसके लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए जो भी डेट अवेलेबल होगी वो ग्रीन होगी। अभी आप देखिए दिसंबर में कोई डेट अवेलेबल नहीं है, हम नेक्स्ट करते हैं। जनवरी में भी कोई डेट अवेलेबल नहीं है, हम फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी में 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अवेलेबल है। चलिए मैं यहाँ पर 14 ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो रही है 14 फरवरी 2019 को और टाइम रहेगा 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। चलिए हम यहाँ पर बुक स्लॉट पर क्लिक कर देते हैं। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म टू बुक स्लॉट पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपकी अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगी। इस स्लिप को आपको सेव करके या प्रिंट करके रख लेना है। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट की डेट को RTO ऑफिस जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ ये स्लिप दिखानी होगी। प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना प्रिंटर चूज करके प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये फॉर्म मोबाइल फोन से फिल किया है तो आप इसे सेव करके रख लीजिए और किसी शॉप पर जाकर के इसको प्रिंट करा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रिंट करने के लिए चारों फॉर्म मिल जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने 5 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। नीचे यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम शो होगा। एक बार जब आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है तो उसके 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा,
आप यहां ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपको यहां पर 5 स्टेप्स मिलेंगे। इसमें आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होगा और इसी तरह से एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी और फीस पे करनी होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डालना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और ओके करते ही आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। सो गाइस, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का एक पूरा प्रोसेस है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका एक टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट को कैसे पास करना है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।